आज तो मेरा नाचने को मन कर रहा है। ता दिन दिन ना ता दिन दिन ना ता दिन दिन ना। मेरा भी डिंग 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 डिंग। घर में एक ढोल तो है, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। उसकी क्या जरूरत है, मेरा रेडियो है ना। प्रणाम अच्छी परी। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे दुश्मन इस बक्से के पीछे पड़े हैं। कुछ दिनों तक इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये लो भीम। मैं इसकी सुरक्षा कर रहा था। कौन है तू? बूम। बूम, बूम। मजा आया। पकड़ लिया। बूम, बूम, बूम। बूम, बूम, बूम। पकड़ो, 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 पकड़ो। पकड़ लिया भीम। भीम छोटा भीम बन गया। छोटा जादुई पानी नहीं मिला, लेकिन भीम से छुटकारा जरूर मिलेगा। बूम, 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 बूम। बूम, बूम, बूम। बूम तो भीम से भी बुरा है। अच्छी परी, अच्छी परी। वो अभी तक नहीं पका, बच्चे आते ही होंगे। कितनी दूर है यहाँ? होगी ही ना चुटकी,
सालों हो गए अटारी की सफाई करके। वाह, कितनी सुंदर ट्रॉफी है। इस पे तो लिखा है बावर्ची नंबर वन। काफी पुरानी लगती है, देखो ना माँ। ओफो, क्यों कबाड़ को निकाल कर बिखेर रही हो चुटकी। चलो इसे रख दो, बाकी की सफाई मैं खत्म कर लूंगी। लेकिन माँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर की अटारी से मिली, आज सुबह ही। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? मुझे भी यही लगा, लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है। क्यों ना हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? हैं? मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं। कौन बोल रहा है, सामने आओ। प्रोफेसर हम हैं, नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। अरे हाँ हाँ हाँ, बच्चों क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। संभाल कर रखूंगी। ठीक है। अब बच्चों थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं एक झटके में अपनी खोज पूरी कर लूंगा। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। हाँ? क्या है इसमें चुटकी? भीम, भीम इसमें चूड़ियां हैं। कालिया निराश मत हो, ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं, ये आसानी से टूट नहीं सकती। बच्चों समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो हो गया। इन सब लोगों के बीच में मैं माँ को ढूंढूं कैसे? देखो तो आप दोनों किसी ढाबे में जा रही हैं। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर
होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर वन। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं। जाने तो टुनटुन, तुम चाहो तो अगले साल हिस्सा ले लेना। कोई कुछ भी कहे, मैं तो इसी साल हिस्सा लूंगी। हाँ। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर वन प्रतियोगिता में। मैंने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1। सब खा जाऊंगा। तुम ही हो बावर्ची नंबर। मुनमुन देखो तो मैं जीत गई। मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। ये फूल तुम्हारे लिए। टुनटुन, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, पिताजी आप यहाँ? पर आप तो आज वैसे खरीदने मंडी जाने वाले थे। खामोश, हमारे मना करने के बावजूद तुमने उस नंदू से मिलना नहीं छोड़ा। कहाँ है वो लड़का, बताओ कहाँ है? ये लड़का नहीं, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है, मैं शादी करूंगी तो बस नंदू से। क्या कहा? अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? इसे एक नीला गुलाब लाकर टुनटुन का हाथ मांगना होगा। मेरी बात समझ में आई? नीला गुलाब। पर नीला गुलाब ही क्यों पिताजी, मुझे तो लाल गुलाब ज्यादा पसंद है। हंसना बंद करो। नीला गुलाब इसलिए क्योंकि पहाड़ी के पुराने किले के अलावा वो और कहीं नहीं उगता। पहाड़ी का पुराना किला? पर वहाँ तो बड़ा दुष्ट आदमखोर रहता है, किसी को किले में पैर तक नहीं रखने देता। तो क्या हुआ, हम परखना चाहते हैं कि इस लड़के में कुछ दम है भी या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हें संभाल पाएगा या नहीं बेटी। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत खतरा है, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। ठीक है, जी हाँ मुझे मंजूर है आपकी शर्त। नहीं जाओगे? नहीं। मैं जा रहा हूँ टुनटुन, जा रहा हूँ। पिताजी, मैं नीला गुलाब लाकर ही आपसे टुनटुन का हाथ मांगूंगा। हाँ। शाम होने को आई है और चुटकी अब तक नहीं आई। माँ, चुटकी? अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले है ना बावर्ची नंबर वन। मैंने
मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है, क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? अरे मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है, बाहर की कोई आवाज नहीं आती। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे, तुम आराम करो। पर ये गांव से काफी दूर है चुटकी, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो? अगर मगर कुछ नहीं भीम, हम एक दिन के लिए ढोलकपुर को संभाल लेंगे। चलो सुबह मिलते हैं। कितना आरामदायक है। संभाल सकता हूँ। कोई तरकीब है? तरकीब? कैसी तरकीब? अब क्या? मेरे पास एक तरकीब है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? भीम, भीम कहाँ है? निशाना है ए लड़के। हाँ ये क्या, कौन है आप सब? ये हमारी रानी है। तुम कौन हो लड़के? मैं राजू, ढोलकपुर का राजू। ढोलकपुर के राजू? तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। राजू तुम हम मधुमक्खियों के बहुत काम आओगे, तुम्हारा निशाना और हमारी डंक। मैं रानी मधुमक्खी तुम्हें हमारा सेनापति बनाती हूँ, तुम हमारे साथ रहोगे, मधुमक्खियों का सेनापति। नहीं रानी, मैं मधुमक्खियों का सेनापति नहीं बनूंगा। क्या तुम मुझे मना नहीं कर सकते लड़के? किसी मधुमक्खी की इतनी हिम्मत नहीं,
मैं कोई मधुमक्खी नहीं, ढोलकपुर का राजू हूँ और मैं ढोलकपुर में ही रहूँगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल, सेनापति और तू। उस्ताद, आक्रमण! तीरंदाज राजू, महारानी ने बुलाया है। राजू, महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप, आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना। राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। कालिया, तुम्हारी ये हालत की किसने? मुर्गा! मुर्गा? कालिया, तुमने कोई सपना देखा होगा। मुर्गा और कालिया को? मुर्गा, उसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी। हमें नया दोस्त मिला है। आपको बहुत पसंद आएगा। मेरा दुश्मन, हमारा दोस्त। इसने मुझे चोंच मारी, बार बार मारी।
क्या हमारा दोस्त छोटा सा प्यारा सा मुर्गा है? मैं या मुर्गा, चुन लो। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? हाँ, इन सारे चाय के बागान से भी ज्यादा खूबसूरत है हमारी राजकुमारी। जब वो यहाँ पर खेलती थी तो इस चाय की खुशबू दुगनी हो जाती थी। महारानी उम्मीजान तो यही कहती है कि राजकुमारी इस जंगल में खो गई, पर सब जानते हैं कि राजकुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती है एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता, कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। तो हमें उस फूल को ढूंढना ही फूल को ढूंढना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं ढूंढ पाया। और आसाम के जंगल भी बहुत घने हैं। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो फिर चलिए इस बहाने आसाम के जंगल भी देख लेंगे। Oh!
सबने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था।